उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रखी है। आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। यहां आपको बता दें कि कोहरे से लोगों को हो रखी है परेशानी। घने कोहरे की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रखी हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहां पर ठंड बेतहाशा पड़ रखी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं और भारी परेशानी ना केवल वाहन चालकों को आ रखी है, बल्कि ट्रेनें देरी से चल रखी हैं, प्लेन देरी से चल रखे हैं। ऐसे में भारी परेशानी आमजन को उठानी पड़ रखी है। कड़ाके की ठंड पड़ रखी है, शीतलहर का एक प्रकोप देखने को मिल रहा है, पारा लगातार लुढ़क रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से कोहरा गिर रहा है, जिस तरह से धुंध छाई रहती है, विजिबिलिटी कम रहती है, वाहन चालकों को भारी परेशानी पेश आती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रोहतक से खबरें अभी तक के ब्यूरो देवेंद्र दांगी का। जी देवेंद्र, लगातार हम देख रखे हैं घना कोहरा, घटती विजिबिलिटी, आए दिन हादसे की खबरें आ रखी हैं। आज कुल मिलाकर किस तरह का मौसम आपको रोहतक में नजर आता है? जी आरती, मौसम की आपने बात की तो बता देना चाहूंगा दर्शकों को भी ये जानकारी हो जाए कि आज के और कल के मौसम में सिर्फ फर्क इतना सा है कि आज कोहरा कम है। बाकी अगर ठंड की बात करें तो कल से ज़्यादा ठंड आज है। कल 4 के आसपास ट्रेवल कर रहा था टेम्परेचर, और आज की अगर बात करें तो 3.8 ये रात को जो पारा है वो नीचे गया है। रियल फील की अगर बात करें तो 3 डिग्री से भी नीचे तापमान रहा है। नवीन कुमार जरा तस्वीरों में भी दिखाते रहे कि धुंध का मैं जिक्र कर रहा, धुंध आज हालांकि कोहरा उतना नहीं है। बेशक रात के वक्त ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सुबह जो है कोहरा छाया मिलेगा, मगर फिलहाल की अगर बात करें तो सुबह कोहरा इतना नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि करीब 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने ठिठुरन को और भी बढ़ा दिया है और लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। क्योंकि जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं पहाड़ों पर, जैसे बर्फबारी उसके बाद जो मौसम में बदलाव आया है, उसका सीधा सा असर आरती मैदानी इलाकों में बिल्कुल देखा जा रहा है। आज बेशक कोहरा ना हो, लेकिन ठिठुरन नीति है कि आप जो बाहर निकलना होता है, जिन लोगों को सुबह सवेरे काम की मजबूरी है कोई और किसी ज़रूरी काम से, वो लोग समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि कितनी ठिठुरन में बाहर निकलना कितना मुश्किल भरा काम होता है। सड़कों की जहाँ तक बात करें कि आज आवाजाही साफ तौर पर देखी जा रही है, नवीन कुमार तस्वीरों में दिखाते रहें कि आज आवाजाही कल की बनस्पत आज कुछ ज़्यादा इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि आज फोग कम है, लेकिन ठंड काफ़ी है और ठंड की वजह से लोग खासे परेशान भी हैं। जी बिल्कुल, आज विजिबिलिटी कुछ पहले के मुकाबले ठीक नजर आ रही है, रास्ते उतने ज्यादा घने कोहरे की वजह से परेशानी भरे नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार देखा यह जा रहा है कि पारा लुढ़क रहा है, जनजीवन पर बड़ा असर है। और जो असर अब हो रहा है फसल पर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या असर फसलों पर नजर आता है? लगातार कोहरा पड़ रहा है लेकिन बरसात नहीं हो रही है। देवेंद्र, देखिए फसलों पर असर की जहां तक बात है तो जो ये सर्दी फिलहाल पड़ रही है, इससे गेहूं की फसल को खासतौर से लाभ होगा, उसमें कोई हानि नहीं होगी। तो किसान संतुष्ट है, किसानों को खुशी है कि अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। जितनी ठंड पड़ रही है उतना ही गेहूं के जो दाने होते हैं उसमें ताकत आती है, उसका साइज जो है वो मोटा मिलेगा, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो पाला गिरता है, पाले के गिरने से जो सब्जियों की कुछ फसलें हैं उनको जरूर नुकसान की संभावनाएं हो जाती हैं, लेकिन वो स्थिति रोहतक में फिलहाल तक, रोहतक और आसपास के एरिया में दिखाई नहीं दिए। यहाँ कुल मिलाकर किसान संतुष्ट हैं, जो सब्जी की फसल उगाते हैं चाहे गेहूं की फसल जिनकी है वो संतुष्ट हैं कि कहीं ना कहीं सर्दी पड़ रही है तो उनके लिए फायदेमंद ये कहा जाएगा। कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन लोगों का भी ये मानना है कि फिलहाल का जो मौसम जो चल रहा है, अगले कुछ दिन तक ये मौसम ऐसा ही रहता है तो किसानों के लिए ये मौसम लाभदायक रहेगा। चलिए, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त यमुनानगर से खबरें अभी तक के संवाददाता रजनी सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी, क्या कुछ मौसम में नजर आता है परिवर्तन? क्या ठंड से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है? कोहरा आज कुछ कम नजर आ रहा है? देखिए आरती, कोहरा कम नहीं है यमुनानगर में। आज घना कोहरा छाया हुआ है, जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी कि 2 दिन जो है घना कोहरा छाया रहने की जो बात कही जा रही थी, तो ठीक उसी तरह यमुनानगर में हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। 9 जो 9:30 के करीब जो वक्त होने को जा रहा है, लेकिन
कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है। और आज अगर टेम्परेचर की बात करें तो यमुनानगर में 7 डिग्री सेल्सियस जो इस समय तापमान है, और लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो काम है, कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। नहीं तो अमूमन दिनों में इस समय तक पूरा बाजार जो है वो खुल जाता है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर यमुनानगर में दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है। आज ठिठुरन इतनी ज्यादा है कि लोग घर में ही दुबकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और जो बाहर निकल रहे हैं वो अलाव का सहारा तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन कामकाज पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जनजीवन पर कड़ाके की ठंड का ये असर हम देख पा रहे हैं, कोहरा भी छाया हुआ है। बहुत शुक्रिया रजनी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो कड़ाके की इस ठंड में देखिए जनजीवन पर घना असर है, और बड़ी बात यह है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतें पेश